रजा एक्शन कमेटी ने आला हजरत उर्स को लेकर एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नवीर आला हजरत मौलाना अदनान मियां ने की। इस बैठक के बाद मौलाना अदनान मियां ने अपने छोटे भाई मौलाना अब्दुल्ला रजा को आल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव हाफिज इमरान रजा वरकाती ने बताया कि आला हजरत का उर्स 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार कोविड-19 का ध्यान रखते हुए गरीबों को घर घर जाकर लंगर और कंबल तकसीम किए जाएंगे। इस मौके हजरत इधर थोड़ा सा खान रजवी कहते हैं जी, आज हम जानना चाहेंगे आज जो मीटिंग हुई किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई, क्या आगे प्रोग्राम आपका होने वाला है? दरअसल आज हुजूर अदनान रजा खान साहब अदनान मियां ने जो मीटिंग की है, जो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं हजरत, और अभी इस मीटिंग के मौका पे माशाल्लाह सबसे खुशी की बात यह है, अभी हजरत मौलाना अब्दुल्ला मियां साहब को आज रजा एक्शन कमेटी युवा का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो असल हमारा मकसद है मीटिंग का, हजरत ने जो यहाँ पर मीटिंग जमा की लोगों को बुलाया, तो हुकूमत की गाइडलाइन जो कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो जारी हुई है, तो हजरत का असल मकसद यही है कि गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए उर्स रजवी की तमाम जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी हम अपने जो भी रस्म व रिवाज करते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, हुकूमत की गाइडलाइन को निगाहों में रखते हुए, और इंशाल्लाह जो भी उर्स का तरीक़ा है उसको हम अपने हिसाब से हुकूमत की नज़र में और जो सही रहेगा उसको अपने तरीके से इंशाल्लाह मनाएंगे। आरएसी हर साल गरीबों को कुछ कपड़े तकसीम करती थी, कुछ क्या इस साल वो भी होगा? इंशाल्लाह वो भी होगा। हाँ, आरएसी हर साल जो है कंबल वगैरह और जो भी आरएसी की जानब से लंगर वगैरह होता है, इंशाल्लाह इस बार भी होगा। और ख़ास तौर से जैसे इस बार गरीबों के लिए ज़्यादा इहतमाम किया जाएगा, हर बार होता है, बाहर के मेहमान तो कम रहेंगे जो कोविड-19 की वजह से लोग कम रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर से जो आपका इंतजाम होगा गरीबों की खिदमत की जाएगी इंशाल्लाह। जी, मैं ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय सचिव हाफिज इमरान रजा बरकाती आज जानना चाहेंगे जो बैठक हुई, किस किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई? आज जो बैठक हुई है वो आने वाली तारीख 12-13-14 को से आला हजरत बरेली शरीफ में मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए उर्स आला हजरत मनाया जा रहा है, उसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। जो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी गरीबों में जो जाकेट कंबल तकसीम करती है वो अपना काम करेगी, लंगर का इंतज़ाम बड़े पैमाने पर रहता है रजा एक्शन कमेटी का, वो करेगी, लेकिन वो गरीबों में तकसीम होगा, जो इंतज़ाम होता है वो गरीबों में तकसीम होगा, लंगर जो भी होगा जो मौजूद रहेगा उसको वो लंगर खिलाया जाएगा, उसके अलावा जो गरीब गुरबा हैं उनमें बाँट दिया जाएगा। और आज ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का बड़ा अच्छा दिन है कि हुजूर अदनान मियां साहब के छोटे भाई अब्दुल्ला रजा कादरी साहब को ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, उनको मुबारकबाद दी गई है। क्या सरकार के द्वारा जो परमिशन मिली क्या वो लोग आएंगे, विदेशों से भी कुछ मेहमान आएंगे? विदेशों तो से तो मेहमान नहीं आ पाएंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो सेवा है वो बंद है, और जो जब गाइडलाइन का हमें पालन करना है तो बाहर से तो नहीं आना है, और इलाके के भी रहना है तो बस जिम्मेदार खानकाहों के लोग मौजूद रहेंगे। कितने लोग की परमिशन दी गई है? 100 लोगों की परमिशन रही है, उसमें उसी का पालन किया जाए।